यूपीसीए यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल के दौर में एक और अपडेट लेके आया हूं, और ये अपडेट बहुत से ऐसे खिलाड़ियों की जिज्ञासा को शांत कर देगी जो बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि उनको ट्रायल की अपडेट नहीं मिल पा रही थी। तो वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में जो खबर निकल के आएगी मैं उसके बारे में तो जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है जो सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा। मैं तो आपको अपडेट देता ही देता हूँ, लेकिन आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट से जरूर टच में रहना है, और ऐसा मत हो जाइए कि आप मेरे ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाए, क्योंकि आप लोकल में रह रहे हो, आपसे अच्छा अपनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को कोई नहीं जानता। मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाके आपके बारे में अपडेट नहीं निकाल सकता हूँ। और चूंकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों का एटीट्यूड बहुत खराब होता है, और बहुत कम ऐसे अधिकारी होते हैं जो आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा, ये आप सभी के एक्सपीरियंस पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं रोज आप सभी के कमेंट देखो से मेरी बात होती है, और कहीं ना कहीं उनके कमेंट में कुछ ही कमेंट के जवाब मैं दे पाता हूँ। उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि आपको भी अपनी जानकारी निकाल के रखनी है। तो ये जो अपडेट आई है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और DDCA क्रिकेट एसोसिएशन आगरा के खिलाड़ियों के लिए आई है। मथुरा और आगरा का जो ट्रायल होना है वो आगरा में होना है। ये जो ट्रायल होना है ये 30 अप्रैल से अवंतीबाई लोधी क्रिकेट ग्राउंड आगरा में होने जा रहा है, और इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होना है। ये मंडल लेवल का ट्रायल है, और इसमें जो एज ग्रुप क्राइटेरिया है वो है अंडर 19। इस ट्रायल में वही खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनको जानकारी दे दी गई। अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं मिली है तो आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क कर ले। ये जो मैचेस होंगे ये DDCA और मथुरा के बीच में होंगे। इसमें DDCA आगरा, मथुरा, हाथरस, ये 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इनके मंडल के मैचेस होने जा रहे हैं। ये मैच स्टार्ट होंगे 30 तारीख से, यानी 30/4/2024 से, और इसका सभी मैचों की रिपोर्टिंग टाइम है 6:30 बजे, और टॉस टाइम है 7 बजे, और मैच जो स्टार्ट हो जाएगा 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में मिल जाएगी, और जो शेड्यूल है और जो नोटिफिकेशन आया है उसके नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहिए, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करके मैं आप सभी को देता हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। आप वीडियो देखते हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अगर कोई सुझाव हो तो वो जरूर दें, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की, और जो जानकारी है निकल के आएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड करने की। और जैसे ही आगे यूपीसीए की या किसी भी जिले से या स्टेट से ट्रायल की अपडेट आएगी तो मैं समय समय में आप सभी को बताता रहूंगा। तो आप बने रहें, आप अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।